जी शेख, तो कुछ स्ट्रीम्स पहले एक भाई ने सवाल किया था शेख कि उनकी मस्जिद 1.5 किलोमीटर जितनी दूर है, दूरी पर है, तो वो घर में जमात करके पढ़ सकते हैं क्या करके पूछने पर शेख ने बोला कि आप जमात करके पढ़ सकते हैं घर पर करके। तो रसूलुल्लाह की एक हदीस है शेख कि अगर किसी को अजान सुनाती है तो उसको जवाब देना चाहिए। आज के जमाने में तो ये माइक्रोफोन से दिया जाता है शेख। अगर वो 2 किलोमीटर तक भी दूरी पर से आवाज आए तो 2 किलोमीटर दूरी पर शख्स पर फर्ज बनता है शेख कि मस्जिद जाकर नमाज पढ़े या फिर वो घर में पढ़ सकता है। जैसा अच्छा ठीक है। देखिए, इस सवाल का जवाब सही तौर से समझने के लिए मेरा एक सवाल है आपसे कि फर्ज कीजिए कोई मस्जिद है और उस मस्जिद में जब अजान होती है तो उस अजान को लाइव नशर किया जाता है, लाइव, और आप मान लीजिए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूरी पर बैठे हुए हैं उस मस्जिद से, तो जब लाइव अजान होगी तो क्या आप सुन सकेंगे कि नहीं उसकी आवाज? सुन सकेंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल उसी बिल्कुल ऑन टाइम आप उसको सुन सकेंगे। तो क्या 20-25 किलोमीटर जाना आपके लिए वाजिब है? नहीं, बिल्कुल नहीं शेख तो अजान तो सुन रहे हैं आप, जी, वाजहे तो तौर पे भी समझ इसका में क्या आया जवाब देंगे आप? इसका क्या जवाब देंगे कि क्यों नहीं जाना है? अजान तो सुन रहे हैं। क्योंकि दूरी पर है शेख ज्यादा। हाँ, तो आखिर में उस दूरी की कोई तहदीद तो करनी होगी ना। एक आदमी आएगा 2 किलोमीटर बोलेगा, दूसरा आदमी 3 बोलेगा, तो किसकी बात मानेंगे? इसलिए इसमें एक उसूल याद रखिए, ये जिस हदीस का आपने जिक्र किया वो इब्ने उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अनहु का वाकया है। अल्लाह के नबी सल्लम के पास वो आए और उन्होंने कहा कि मैं नाबीना आदमी हूं और मुझे मस्जिद जाने में ऐसे दिक्कत है, कोई ले जाने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रुख्सत दे दी कि आपको जरूरत नहीं है। फिर वो जाने लगे वापस। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, वापस आए, अल्लाह के रसूल ने कहा क्या आप अजान की आवाज सुनते हैं? उन्होंने कहा हाँ, हम अजान की आवाज सुनते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा फिर जो है जरूरी है मस्जिद जाना, जब आप अजान की आवाज सुनते हैं तो मस्जिद जाना यानी जमात से नमाज पढ़ना जरूरी है आपके लिए। अब यहां पे अजान की आवाज सुनने की आपने बात की, तो अजान की आवाज एक तो नेचुरली हम सुने, कोई आदमी बगैर माइक्रोफोन के अजान दे और नेचुरली हम देखें वो अजान की आवाज कहां तक जा रही है, और एक माइक्रोफोन से, तो माइक्रोफोन से जो अजान की आवाज वो तो 2 किलोमीटर भी जा सकती है, बल्कि अगर लाइव उसको नशर किया जा रहा है तो वो तो सैकड़ों किलोमीटर जा सकती है। तो अजान सुनने का एतबार नेचुरली जो अजान जहां तक सुनाई दे उसका उस मसाफत का एतबार है। इस मसले को बाकायदा शेख इब्न उसैमीन, शेख इब्न बाज वगैरह ने जिक्र किया है कि अजान की आवाज जहां तक नेचुरली जा सकती हो या जाती हो वहां तक के लोगों के लिए मस्जिद आना ये वाजिब है, माइक्रोफोन का एतबार नहीं है। क्योंकि हमारी शरीयत जो है वो किसी एक जमाने के लिए नहीं है, माइक्रोफोन तो हमारे जमाने में है। तो अगर हम माइक्रोफोन को माने तो माइक्रोफोन तो हर जमाने में नहीं था, और शरीयत के अहकाम तमाम जमानों के लिए हैं। लिहाजा सही बात यह है कि नेचुरली अजान की आवाज जहां तक जाती हो वहां तक के लोगों के लिए मस्जिद में हाजिर होकर जमात से नमाज पढ़ना ये वाजिब है। लेकिन मैं इस मसले को बताने के साथ साथ एक जरूरी बात यह बताना चाहूंगा कि इस मसले को सुन करके, चूंकि आपने पूछा इसलिए इसको बयान करना पड़ा, इस मसले को सुन करके कोई आदमी मस्जिद जाना ना छोड़ दे कि मेरा घर तो दूर है भाई, वो बहुत सारे लोग आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर बाइक से चले जाते हैं नमाज पढ़ने। अगर आप मस्जिद जाते हैं और मस्जिद में जाकर जमात से नमाज पढ़ते हैं तो आपको 27 गुना ज्यादा अजर मिलेगा। जो जमात की फजीलतें हैं वो सारी फजीलतें मिलेंगी, मस्जिद जाने का अलग अजर है। मस्जिद अगर आप जाते हैं तो रास्ता जो आप तय करते हैं उसका अलग अजर है, मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ते हैं आपको 27 गुना ज्यादा उसका अजर मिलेगा। तो इस तरह की रुख्सतें आदमी तलाश करने की कोशिश ना करे, वो कोशिश करे कि जो ज्यादा से ज्यादा अजर है उसको हासिल करे। दूसरी एक बात कि जब आदमी जमात छोड़ने का आदी हो जाएगा ना तो फिर उसकी नमाज भी छूटने लगेगी, और आपने खुद तजर्बा किया होगा कि जमात के साथ नमाज पढ़ने में जो
खुशु खुजू और ये सारी चीजें आती हैं, वो तन्हा नमाज पढ़ने में वो चीज हासिल नहीं होती है। अलबत्ता अगर उसे कभी किसी वजह से वो नहीं जा सका, कोई बात नहीं है, क्योंकि मस्जिद दूर है उसके घर से,